नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उमेश यादव। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल शौक पौधों का। तो आइए गमला बनाने की कड़ी में एक और गमला बनाते हैं आज, बोनसोई प्लांट लगाने के लिए। तो आइए देखते हैं उसमें क्या किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले तो उसमें जो है हमको जरूरत पड़ेगी, आप देख सकते हैं, सैंड की, मोरंग जिसको हमारे यहाँ बोलते हैं, सैंड। दो पार्ट हमने इसको लिया है, और उसके बाद में सीमेंट है, एक पार्ट सीमेंट है। तो ये दोनों का मैं जो है अच्छे से मिक्स कर ले रहा हूँ। और आप हमेशा जो है ग्लव्स का इस्तेमाल करिएगा। फिलहाल मेरे पास ग्लव्स नहीं है, तो इसलिए मैं ग्लव्स का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, और ग्लव्स से थोड़ा जो है मुझे ठीक भी नहीं पड़ता है। और इसको अच्छे से जो है हम मिक्स कर ले रहे हैं, मिला ले रहे हैं। और इसमें जो है अब हम पानी मिला देते हैं, और पानी जो है अधिक मत मिलाइएगा, पानी थोड़ा कम ही मात्रा में मिलाइएगा, जिससे मसाला ज़्यादा गीला ना होने पाए। देखिए मसाला बनकर जो है ये तैयार है, आप देख सकते हैं ये मसाला बन गया है। और आज जिस पॉट में वो बनाऊंगा, वो प्लास्टिक की जो है एक छोटी टोकरी है, उसमें बनाऊंगा, आपको दिखाते हैं। जो मैं ये पॉट बनाने जा रहा हूँ, इस छोटी सी टोकरी में बनाने जा रहा हूँ। अब देखिए बहुत अच्छा पॉट ये बन के आएगा। तो आइए शुरू करते हैं, इसमें क्या करना है। तो सबसे पहले देख सकते हैं सरसों का तेल है, आप सरसों के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मोबी ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो इसको अच्छे से मैं जो है इस बास्केट में लगा दे रहा हूँ। ये ध्यान रहे कि कहीं भी जरा सा कहीं छूटने ना पाए, कि जहाँ जो है इस वाइल का लेपन ना हो, नहीं तो बाद में जो है पॉट को निकालने में बहुत दिक्कत होगी। इसको अच्छे से जो है आप लगा दीजिएगा। देखिए अच्छे से जो है मैंने बास्केट में जो है तेल को लगा दिया है। ये देख सकते हैं आप, ये लेप मैंने बना के तैयार रखा है। ये सीमेंट का गाढ़ा सा घोल है, और इसको जो है मैं इसमें अब डाल के चारों तरफ फैला देगा। आप देख सकते हैं इसका अच्छा सा लेपन मैंने एक कर दिया है। अब इसमें जो है एक मसाले को पहले मैं फैला दे रहा हूँ। नीचे के हिस्से में अच्छे से इसको मैं प्रेस कर दे रहा हूँ, इससे रहता है कि बढ़िया से जो है नीचे अच्छे से मसाला चिपक जाए। बाकी मसाला इस तरह से डाल लीजिए। अब डालने के बाद में इसको अपने हाथों से इस तरह से चारों तरफ घुमा घुमा के, इसको अच्छे से जो है इस तरह से चारों तरफ प्रेस कर दीजिए, दबा दीजिए और अच्छे से फैला दीजिए। और इसके बाद में इस बल्ब की सहायता से वो अच्छे से चारों तरफ इस तरह से प्रेस कर दीजिए। इस तरह थोड़ा चिकना करने के बाद में इस कोने पे थोड़ा थोड़ा मसाला और अधिक लगा देना है। और जैसा कि मैं अपने हर गमले वाले वीडियो बताता हूं आप लोगों को, कि हमेशा ग्लव्स का इस्तेमाल करिएगा, नहीं तो आपके हाथ कट सकते हैं। हमारे यहाँ थोड़ा शाम को मच्छर अधिक लगते हैं, तो इसलिए ये भी थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। अब देखिए हम कन्नी का इस्तेमाल करते हैं।
करने से इसके साइड को जो है हम प्रेस कर दे रहे हैं। देखिए बल्ब की सहायता से इसको मैंने जो है चिकना कर दिया है और साइड साइड में हल्की कन्नी मार दे रहा हूँ, जिससे इसका बॉर्डर जो है वो अच्छे से आ जाए। और उसके बाद में इसके साइड को मैं अब कपड़े से जो है पोंछ देगा। देखिए आपके सामने जो है मैंने इसको अच्छे से जो है साइड का इसका किनारा फिनिश कर दिया, अच्छे से कर दिया है। अब देखिए किसी भी गमले में किसी भी पॉट में सबसे जरूरी चीज़ होती है डिमने झोल, तो मैं इस लकड़ी की सहायता से एक अच्छा सा डिमने झोल बीच में बना दे रहा हूँ। आप देख सकते हैं अब इसको जो है मैं रख दूंगा और 24 घंटे बाद इसकी अगली अपडेट आप सभी को दूंगा और वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। गमले को बनाए हुए 24 घंटे हो गए हैं, देख सकते हैं जो तो गमला बनाया था उसको तो बनाए हुए 24 घंटे हो गए हैं। अब इसको जो है आपको निकाल के दिखाते हैं। तो सबसे पहले एक नीचे जो है मैंने बिछा लिया है जिससे गमला टूटने ना पाए और ऊपर से जो है झटका ना लगने पाए। आप देख सकते हैं कितना आसानी से ये गमला जो है ये निकल गया है। देख सकते हैं कितना अच्छा से आया है। तो आप भी इस तरह से जो है गमला आसानी से बना सकते हैं और ये बहुत ही सस्ता और मजबूत और डिजाइनर गमला है। ऐसे सुंदर मजबूत और डिजाइनर गमले बनाने के लिए आप चैनल पर विजिट करिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन दबा करके ऑल पर क्लिक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।